अभी बोटी बोटी करने वाला बयान देकर देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले इमरान मसूद इन दिनों सियासी संकट में हैं। कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले इमरान मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इमरान मसूद का ये वीडियो बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, जिसमें इमरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से एकजुट होने की अपील करते थे। 17 सेकंड का ये वीडियो है। कब का है, किस जगह का है, इसके बारे में कोई पता नहीं, लेकिन इस वीडियो के बहाने बीजेपी ने इमरान मसूद को निशाने पर ले लिया है। तो बीजेपी दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, जब पैर पकड़वा दिए मेरा बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट लिखा है, सारे मुसलमान एक हो जाओ, सब पैर पकड़ेंगे, इमरान मसूद का एक और ख्वाब। अपने विवादित बयानों के बाद चौतरफा घिरे आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने अब न्यूज 18 को धमकी दी है। न्यूज 18 के खास शो देश नहीं झुकने दूंगा में सवाल पूछने से तौकीर रजा इतने गुस्से में आ गए, इतने नाराज हो गए कि उन्होंने खुलेआम धमकी देनी शुरू कर दी। आप भी देखिए क्या कहा तौकीर रजा ने। देखिए हमारा देश है, हाथ ही जोड़िएगा और कोई धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि वो दिन अब लग गए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप देख रहे थे ना, अब सुनिए मेरी बात, हाथ ही जोड़िएगा, क्योंकि वरना माफियाओं और गुंडों के अब लठ बसते हैं। एक बात का आप जवाब मुझे। हाँ जी, अब माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं। बात अगर तमीज से नहीं, नहीं मैं भी तमीज में ही कर रहा हूँ, आप तमीज में नहीं कर रहे थे। तमीज से जवाब मिलेगा, वरना तुम्हारी भी जूतेकारी हो जाएगी। बदतमीज क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताइए ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जिहालत दिखाते हो आपने। ये आपने जो किया वो क्या है, हिंदुओं गली गली खून बहेगा, हिंदुओं को गली गली खून बहेगा का क्या मतलब था? हिंदुओं के खून बहाने की बात करेंगे आप? जवाब मिलेगा, गली गली खून बहेगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। कैसे जो कमलेश तिवारी के साथ किया वही करेंगे मेरे साथ? क्या करेंगे? सवाल का जवाब तुम दो। मुंह कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे? सवाल का जवाब देखिए, ये कांग्रेस को समर्थन दे रहा है, उन्होंने कह रहे मुंह तोड़ दूंगा मैं, ये मुंह तोड़ने वाले की बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा इन लोगों से, बात करवा रहे हो मेरी, इन्हें बात करने का तमीज नहीं है, इन लोगों से मेरी बात करवा रहे हो भाई, किन लोगों से बात करवा रहा हूँ मेरी? तुम लोग आते हो बात करने के लिए, ये बात करने के लायक है, इस लायक है कि इनकी बात का जवाब दिया जाए? तौकीर रजा ने एक और विवादास्पद बयान सामने आया है उनका। उन्होंने बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों को शहीद बता दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर बाटला हाउस की जांच कांग्रेस करा लेती तो देश की जनता को सच पता चलता। बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज़्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलैलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। तौकीर रजा पर कांग्रेस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हमला बोला है। संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन देते ही बटला हाउस पर भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के रवैये का समर्थन किया, मारे गए आतंकियों को शहीद बताया। हाँ, वही आतंकवादी जिनके मृत शरीर को देख सोनिया जी 3 दिनों तक रोई थी। रजा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। यूपी के सहारनपुर में 2014 में हुई गुरुद्वारा हिंसा मामले के आरोपी मुहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर विवाद खड़ा हो चुका है। मुहर्रम अली को समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाने पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। 13 जनवरी को मुहर्रम अली पप्पू समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया। इन तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लाल टोपी पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत करते दिखाई दिए थे। दंगाइयों के भरोसे समाजवादी पार्टी, दंगा आरोपी की समाजवादी पार्टी में एंट्री, और सवाल ये उठ रहा है कि और कितने ऐसे चेहरे को टिकट दिया जाएगा। बीजेपी एक के बाद एक हमलावर है, ऐसे चेहरों को जब टिकट दिया जा रहा है, दंगा आरोपी की एसपी में एंट्री, समाजवादी पार्टी में एंट्री, और उसके बाद ये तस्वीरें पहले की और अब की, दोनों वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं।
एक बार फिर से पूरा प्रोफाइल हम आपको बताते हैं तस्वीरों को दिखाते हुए। तो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और इसकी तस्वीर वायरल हो चुकी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया। इन तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लाल टोपी पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत करा रहे हैं। मुहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें इन दिनों वायरल हो चुकी है। बीजेपी ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के प्रवक्ता समित पात्रा ने इसे समाजवादी पार्टी का चरित्र बताया है। मुहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मुहर्रम अली ने, ये हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। कांग्रेस की तरह अब समाजवादी पार्टी ने भी सिख विरोधी, सिखों का दंगे कराने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी ने आज मुहर्रम अली पप्पू, जिसने 2014 में सहारनपुर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़काए, गुरु घरों पर नुकसान करने की कोशिश की, जिसमें जाकर हमने लंबी लड़ाई लड़ी वहां जाकर और इसको जेल भिजवाया था, आज समाजवादी पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और एमएलए और मंत्री बनाना चाहते हैं। सोच है इसको, आपको बदलना होगा। हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए अगर आपने मुहर्रम अली पप्पू जैसे आदमी को वहां पर खड़ा करके हमारे छाती पर बिठाने की कोशिश की, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, 2014 में सहारनपुर में सिखों की दुकानें और गुरुद्वारे जलाने वाले दृश्य शायद आप भूले नहीं होंगे। अब उन्हें सिखों के घर और गुरुद्वारे जलाने वाले मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को समाजवादी पार्टी ने शामिल कर लिया है। अखिलेश यादव।